गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमए के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जो विद्यार्थी एमडीएच यूनिवर्सिटी से, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी और स्पेशली जो राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, वो विशेष रूप से ध्यान दें। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण फर्स्ट पेपर और जो अमेरिकन लिटरेचर है कई विद्यार्थियों के, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो जिन विद्यार्थियों के अमेरिकन लिटरेचर है और चूँकि फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म का कॉमन है, वो विशेष रूप से ध्यान दें। देखिए, 50% आपके पेपर है और 50% पेपर को किस तरह से सोल्व करना है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म वाला जो पेपर है, ये जो फर्स्ट पेपर है, ये बहुत ही थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों के लिए और इसमें बच्चे पॉइंट आउट सही तरीके से नहीं कर पाते, तो मैं उसी पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। देखिए, फर्स्ट पेपर में सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको कौन कौन से लर्न करने हैं। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप को लर्न कीजिए। याद रहे, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें जॉन ड्राइडन का और अलेक्जेंडर पोप को आप लर्न कीजिए। जॉन ड्राइडन का जो ऐसे और ड्रामेटिक पोएट्री है, आप इसे विशेष रूप से इसे लर्न कीजिए, और अलेक्जेंडर पोप का जो क्रिटिसिज्म वाला है, आप उसे महत्वपूर्ण रूप से लर्न कीजिए। दोनों प्रश्नों के आने की पूर्ण संभावना है। आप अगर अलेक्जेंडर पोप का याद करते हैं, तो प्रश्न की जो संभावना है वो ये हो सकती है कि डिफाइन जो अलेक्जेंडर पोप एज ए पोइट और हाउ कैन वी फाउंड द पोइट्री इन हिज क्रिएशन, और पोइट्री के बारे में उसने क्या लिखा है। और क्रिटिकल एनालिसिस में इससे संबंधित आपको ड्राइडन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्रेंच ट्रेजेडी को लेकर के आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, और निंडर की क्या भूमिका रही उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो द बोथ ड्राइडन एंड द अलेक्जेंडर पोप बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेक्शन ए। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मैं बात करना चाहूँगा, आप मुल्क राज आनंद का जो बहुत ही अच्छी क्रिएशन है फेमिनिस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, आप उसके बारे में लर्न कीजिए। मुल्क राज आनंद की जो क्रिएशन है और सलमान रुश्दी की जो इमेजिनरी होमलैंड है, याद रहे सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इमेजिनरी होमलैंड मुल्क राज आनंद का और सॉरी सलमान रुश्दी का इमेजिनरी होमलैंड और मुल्क राज आनंद का जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और आप इसे लर्न कीजिए, बिना पॉइंट के इसको नहीं लिखिए। अब मैं सलमान रुश्दी की अगर मैं बात करना चाहूँ, तो सलमान रुश्दी ने इसने अपने चाइल्डहुड पर लिखा है और इमेजिनरी होमलैंड्स के बारे में, यानी कि अपनी जो जन्मभूमि जब बम्बई है जहाँ पैदा हुआ, वहाँ पर यह आया, उसने क्या देखा और उन चीज़ों के बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो आपके पहले में अलेक्जेंडर पोप और जो ड्राइडन हो गया, दूसरे में आपके इमेजिनरी होमलैंड में सलमान रुश्दी हो गया और मुल्क राज आनंद हो गया, और एलिन साउंटर का फेमिनिस्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि इसमें आपको जो फेमिनिस्ट राइटर रहे हैं 1820 से लेकर के 1860 तक, 1860 से लेकर के 1920 तक, 1920 से लेकर के 1940 तक जो फेमिनिस्ट राइटर रहे हैं, उनका वर्गीकरण इसमें करना है कि किस तरह से उन्हें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस तरह से अपने आप को पुरुष लेखकों के सामने साबित किया। तो यह आपका फर्स्ट पेपर का एनालिसिस है। किसी भी बच्चे को इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेने हो, मुझे फ़ोन करें या कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे ज़रूर बताएं। अब हम बात करना चाहेंगे अमेरिकन लिटरेचर की, क्योंकि इसमें अमेरिकन, कई बच्चों ने अमेरिकन लिटरेचर लिया, कई बच्चों ने वुमन राइटिंग लिया है। मैं बात करना चाहूँगा अमेरिकन लिटरेचर की। तो देखो, अमेरिकन लिटरेचर में अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन ए की, तो आप एमिली डिकिंसन को और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, याद रहे जिन छात्रों के अमेरिकन लिटरेचर है, वो एमिली डिकिंसन की जो पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो नेचर पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सारी नेचर पोएम्स है, और एमिली डिकिंसन ने अपने खुद के ऊपर अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स ज़्यादा लिखी है, आप उसके बारे में डिस्कस कीजिए। और इसी में आपके सेक्शन बी में जो डेथ ऑफ सेल्समैन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डेथ ऑफ सेल्समैन और ओनील का एम्परर जो जोन्स है, इसे लेकर के आप लर्न कर सकते हैं। और सेक्शन सी की अगर मैं बात करना चाहूँगा, तो यंग गुडमैन ब्राउन है थोर्न का जो है, यंग गुडमैन ब्राउन है, बहुत अच्छा है, और टोनी मॉरिसन का ब्लस्ट आइस। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, अमेरिकन लिटरेचर के जो छात्र हैं, सेक्शन सी में यंग गुडमैन ब्राउन है, नेथेलिन है थोर्न का, और टोनी मॉरिसन का द ब्लस्ट आइस है, बहुत ही अच्छी क्रिएशंस है और इनसे 100% आने की पूरी संभावना है। डेथ ऑफ सेल्समैन और एम्परर जोन्स को आप लेकर के लर्न कीजिए, और सेक्शन ए में आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री को लेकर के इसमें डिस्कस कीजिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट पेपर और फिफ्थ पेपर में अमेरिकन लिटरेचर। अब जिन छात्रों के, देखो इसमें मत्स्य यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कुछ कंटेंट अलग है,
तो मैं उसे अलग से वीडियो, कल के वीडियो में मैं इसे स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको केवल कंटेंट के बारे में समझाया है। कल का जो वीडियो रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसमें आपको अलेक्जेंडर पोप के बारे में और जॉन ड्राइडन की क्रिएशन के बारे में और सलमान रुश्दी की विस्तृत जो इमेजिनरी होमलैंड है, एलिन साउटर की जो क्रिएशन है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अपन इसमें बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत है उन छात्रों को पूरे PDF में नोट्स मिल सकते हैं, IMA प्रीवियस और IMA फाइनल के। तो जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है वो संपर्क कर सकते हैं, उन्हें मिनिमम अमाउंट में 5 पेपर के फाइनल और IMA प्रीवियस के 4 पेपर के उनके नोट्स उन्हें मिल जाएंगे विद कंप्लीट थ्योरी के साथ में। तो जिन भी विद्यार्थियों को जरूरत है वो जरूर कॉल करके बताएं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।